Hey my beautiful people, welcome to my channel and I hope you all are doing great. I'm Kanchan Rai, your dietitian and food and nutrition mentor. As I've already mentioned that I'm doing masters in dietetics and food and nutrition management. So I always try to transfer the best information out of my knowledge and experience. Guys, today's video is based on again a highly requested video and aap logo ke liye hai teenagers kyunki aap log ke liye main lekar aayi hu aaj workout video. Haan, I know that बहुत लंबा टाइम हो गया है कि मैं कोई वर्कआउट वीडियो लेकर आई हूँ. आप एडल्ट्स को भी बहुत वेट है मेरे वर्कआउट वीडियो का, बट आप लोगों को मैंने बताया था एज आई हैव अ मेजर कट ऑन माय एंकल एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं पूरा 1 month कोई वर्कआउट ही नहीं कर पाई एंड अभी मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा था. सो आई जस्ट अनाउंस्ड कि मैं एक न्यू चैलेंज लेकर आऊँगी अपने चैलेंज अपने चैनल में. सो आप लोग को मैंने बता रखा है अपने लास्ट वीडियो में कि एक न्यू चैलेंज वीडियो आने वाला है. वो कभी भी आता होगा लाइक अभी नेक्स्ट वीक में लाइक नवंबर के स्टार्टिंग में ही वो स्टार्ट हो जाएगा. सो बी वेयर और मुझे फॉलो कर लें मेरे इंस्टाग्राम में. इंस्टाग्राम हैंडल इज कंचन राय _1 और इन ईजी वर्ड्स कंचन राय -1. ओके, सो आप लोग को डेट चाहिए प्लीज़ मुझे वहाँ पे फॉलो कर लो जल्दी से. एंड येस, आज का वीडियो है वर्कआउट पे. तो टीनेजर्स आपके लिए ये वर्कआउट वीडियो है. इस चीज़ में बहुत आप लोगों को कन्फ्यूजन था लाइक कि दी वर्कआउट वीडियो कहाँ है, टीनेजर्स का हम लोग को मिल नहीं रहा है. एंड आई एग्री क्योंकि जो टाइटल है उस वीडियो का इज़ वहाँ पे टीनेजर वर्ड एकदम एंड में हो गया है. सो आपको वो पूरा टाइटल शो नहीं होता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो. सो डैट्स वाई यहाँ पे मैं न्यू टीनेजर्स वर्कआउट वीडियो लेकर आई हूँ यहाँ. तो गाइज यहाँ पे मैं आप लोग को बताऊँगी टोटल 5 वर्कआउट एंड वो वर्कआउट एक वर्कआउट रहेगा 30-30 seconds का. एंड गाइज ये वर्कआउट आपको 5 days तक ओनली फॉर 5 days के लिए लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि अभी हमारा एक न्यू चैलेंज स्टार्ट होने वाला है तो वो उसमें आप भी लोग भी ज्वाइन करोगे. तो जब तक वो नहीं आता है लाइक ये वर्कआउट आपको फॉलो करना है फॉर 5 days एंड 5 days में आपका फॉर श्योर 2-3 kg वेट रिड्यूस हो जाएगा अगर आप मेरे बताए हुए टाइप से इस वर्कआउट को कितनी बार करना है आपको और डाइट आपको क्या लेना है प्रॉपर डाइट के साथ आप ये फॉलो करते हो ये वर्कआउट, तो डेफिनेटली आपका 5 days में 2-3 kg लूज हो जाएगा. ओके, हाँ शेयर भी कर दो अपने और भी ज़्यादा फ्रेंड्स को जिनको भी वेट लॉस करना है, क्योंकि वर्कआउट वीडियो जिसको आपको सिर्फ 5 दिन करना है बट कैसे करना है ना वो आपको वर्कआउट बताने के बाद में बताऊँगी. तो चलो अब बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब मैं आप लोगों के साथ वर्कआउट स्टार्ट करती हूँ. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट हम लोग करेंगे वार्म अप में हम 2 exercise करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग अपना मेन 5 workout स्टार्ट करेंगे और एक वर्कआउट रहेगा फॉर 30 seconds. ये वर्कआउट से आपका फुल बॉडी फैट बर्न होगा, मतलब पूरी बॉडी में आपके फेस में अगर फैट है, आपके चिन डबल चिन का प्रॉब्लम है, आपका आर्म्स फैट है, आपका बस्ट साइज का दिक्कत है, आपका वेस्ट साइज का दिक्कत है, थाइस का दिक्कत है, काफ एरिया का दिक्कत है, बैक का, कुछ भी, फुल बॉडी फैट बर्न में ये हेल्प करने वाला है. तो बहुत सारी बातें हो गई टीनेजर्स, अब आप लोग मेक श्योर कर लो कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा. कर दिया है तो थैंक यू सो मच एंड नाउ लेट जस्ट गेट इन टू द वीडियो. सो सबसे पहले हम लोग वार्म अप करेंगे और वार्म अप में यहाँ पे 2 exercise हैं. पहला एक्सरसाइज हम लोग करने जा रहे हैं जॉगिंग. 30-30 seconds का यहाँ पे हर एक एक्सरसाइज है और इसे आपको वैसे ही करना है जैसे आप रनिंग करते हो, सिंपली वैसे ही आपको जॉगिंग करना है. ओके, सेकेंड वार्म अप एक्सरसाइजेज साइड ट्विस्ट एंड इसको आपको करना है हर एक साइड में आपको इस टाइप से डबल ट्विस्ट होना है और आगे एंड देन साइड ट्विस्ट फ्रंट देन साइड ट्विस्ट. इससे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी और आप वर्कआउट अच्छे से कर पाओगे. तो
अब स्टार्ट होता है हमारा कार्डियो पार्ट। यहाँ पे 5 वर्कआउट है। पहला वर्कआउट है जंपिंग जैक। जंपिंग जैक को करने से ये फ़ायदे होते हैं कि हमारा फुल बॉडी का फैट बर्न हो जाता है, चाहे वो आपका आर्म्स का फैट है, चाहे वो आपका फेस का फैट है, चाहे बर्स्ट फैट हो, बैक फैट हो या फिर थाई फैट हो, बेली फैट को भी कम करता है, फुल बॉडी बर्न एक साथ करता है ये। सो इसीलिए हम लोग ने स्टार्टिंग किया है जंपिंग जैक से। सेकेंड एक्सरसाइज इज इन एंड आउट स्क्वाट्स। तो यहाँ पे आपको इन स्टेप आउट एंड देन स्टैंड अप, स्टेप आउट एंड देन स्टेप इन देन स्टैंड अप देन बैंड स्टेप आउट स्टेप इन अगेन स्टैंड अप, इस टाइप से करके आपको 30 सेकेंड्स तक ये करने हैं। ये बहुत इफेक्टिव होते हैं हमारे थाइज फैट को लूज करने में। स्लिम थाइज एंड थाई गैप के लिए बहुत इफेक्टिव है। नाउ द थर्ड वर्कआउट इज स्क्वाट जंप। ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है अगर आप चाहते हो कि आपका बेली एरिया, आपका थाई फैट, आपका बर्स्ट साइज, आपका हैंड फैट रिड्यूस हो, तो आर्म फैट रिड्यूस हो, तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग जैसे ही जंप करते हैं अपने आर्म्स को पीछे की ओर थ्रो करते हैं एंड देन फिर स्क्वाट्स का पोजीशन स्टैंड अप एंड थ्रो योर हैंड्स एट द बैक साइड। ये बहुत इफेक्टिवली फुल बॉडी फैट बर्न को करता है और साथ में आपके थाई गैप लाने में हेल्प करता है, बेली फैट भी रिड्यूस करता है, साथ में फेस फैट का इश्यू है तो वो भी सॉल्व होता है। इफ़ यू आर टायर्ड टेक रेस्ट फॉर 30 सेकेंड्स। Now the fourth workout is burpees and this is one of my favorites। इसको मैं कभी भी मिस नहीं करती हूँ। जब भी मैं वर्कआउट करती हूँ तो मैं इसका एक सेट या फिर दो सेट तो लगाती ही हूँ। तो आप लोगों को यहाँ पे करने हैं इसके एक सेट जो कि मैं बता रही हूँ, जिस वे में उसी वे में करना है। पॉस्चर को स्ट्रेट रखना है जब आप जंप अप करते हो। ये वर्कआउट बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करता है आपके पूरे बॉडी के फैट को बर्न करने में। आप थकोगे, टायर्ड होगे ये करते वक्त, बट आपको ये कर लेना है 30 सेकंड्स तक के लिए, क्योंकि बहुत इफेक्टिव है और आपका फेस, बैली, बर्स्ट, थाई, लेग्स, फैट सब कुछ रिड्यूस करेगा। नाउ आर लास्ट वर्कआउट इज साइड स्केट्स एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट्स बिकॉज इट्स काइंड ऑफ फन वर्कआउट। यहाँ पे आपको साइड जंप करने हैं जस्ट लाइक आप स्केट्स करते हो, ये उसी का ही फॉर्म होता है, बट आपको जैसे ही एक साइड में जाते हो दूसरे लेग को ऐसे उठा लेना है एंड इसको ईच साइड आपको थोड़ा सा गैप लेके बीच में, जितना मैं गैप ले रही हूँ दोनों पैर के बीच में, उतना ही लेके जंप करना है। इससे आपके थाई गैप आने में बहुत हेल्प होता है, साथ में ये आपका बर्स्ट साइज रिड्यूस करता है और आपके बेली फैट को भी रिड्यूस करने में हेल्पफुल होता है, और अगर फेस फैट इश्यू है तो उसको भी सॉल्व करता है। कॉन्ग्रेचुलेशन टीनेजर्स, वी आर डन विद आवर वर्कआउट। तो टीनेजर्स, हमारा वर्कआउट हो गया है कंप्लीट। बहुत ही सिंपल से 5 इजी वर्कआउट है जिसमें आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है, बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बिजी शेड्यूल से, जहाँ पे आप सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई एंड पढ़ाई करते हो, वहाँ से आप ये थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए। हार्डली 5 मिनट्स आपको निकालने हैं एंड आपको ये चीज़ करना है। लेजीनेस को गोली मारो, क्योंकि आई नो आपके पास टाइम तो रहता ही है, बट आपको ना पसंद आता है कि आप बेड में पड़े रहो और मोबाइल यूज़ करते रहो और यूट्यूब देखो। ओके, यूट्यूब देखना है अच्छी बात है, बट उसके लिए टाइम फिक्स कर लो एंड साथ में ये वर्कआउट के लिए भी टाइम फिक्स कर लो, ठीक है। अब इस वर्कआउट को आपको दिन में कितने बार करने हैं वो सुन लीजिए। तो इस वर्कआउट को आपको करना है 2 सेट, लाइक ये मैंने जो किया है ये आपको करना है मॉर्निंग में एक बार एंड देन आपको दूसरा सेट करना है इवनिंग में एक बार। दोनों सेट एक साथ मत करना, क्योंकि फिर आप लोग थक जाओगे, फिर पढ़ाई नहीं कर पाओगे, फिर बोलोगे नींद आ रही है हम लोग को पूरा दिन, फिर आप सोते रहोगे, फिर आप क्लासेस बंक करोगे एंड फिर मम्मी पापा की डांट पड़ेगी। सो वो सब नहीं करना है आप लोगों को। तो आप लोगों को जस्ट सिंपली 2 सेट करने हैं, बट
टाइम ब्रेक लेना है, क्योंकि आप लोग एक्टिव रहते हो, आप लोग थकोगे नहीं, तो ये बहाना नहीं चलेगा कि आप लोग थक रहे हो एंड ऑल. सो 5 इजी से वर्कआउट है, बस आप कर लो. अगर आपको 2 से 3 केजीज लूज करने हैं और दिवाली वगैरह में मस्त दिनचक टाइप का लगना है, दिनचक पूजा टाइप का, मतलब अगर आपको मस्त लगना है ना एकदम राप्चिक टाइप का, तो आप बस ये वाला वर्कआउट को फॉलो कर लीजिए, आपका मस्त ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा. बहुत शॉर्ट टर्म का मैं बता रही हूँ. ये तो रहा वर्कआउट की बात कितने बार करनी है. नाउ लेट्स कम टू द डाइट वाला पार्ट. तो डाइट वाले पार्ट में आपको मेरे चैनल में 2 वीडियो मिलेगा जो कि टीनेजर्स के डाइट बेस्ड है. लाइक 2 वीडियो है, एक वीडियो है कि नहीं, 2 या 3 वीडियो है, तो आप उनमें से कोई भी वीडियो उठाइए, ठीक है, और आपको जो भी सूटेबल लगता है, लाइक लूज 10 kg in 2 weeks वाला है, आप कोई भी डाइट को फॉलो कर लीजिए टीनेजर्स का साथ में फॉर 5 days. आपको डेफिनेटली यहाँ पे वेट लूज होगा, आपको महसूस होगा, आपको महसूस होगा कि आपका बेली का फैट, बेली एरिया फैट मेनली रिड्यूस होता हुआ आपको नजर आएगा. आई होप आप लोग को सारे रूल्स एंड रेगुलेशन समझ में आ गए होंगे. स्टिल अगर अभी भी कोई भी डाउट्स है तो आप मेरे इंस्टाग्राम में आइए, आके मेरे रीसेंट पोस्ट में कमेंट कर दीजिए. आप पहले मुझे फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम में, ठीक है, वहाँ पे कोई भी आपको डाउट्स आता है आप मुझे मेरे कमेंट पोस्ट में कमेंट करके पूछ सकते हैं. ओके, डीएम भी कर सकते हैं, डीएम में जो ऊपर रहते हैं ना लाइक, वो डीएम के मैं रिप्लाई कर देती हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे डीएम्स आते रहते हैं, तो आगे पीछे हो जाता है. तो इसीलिए आपको क्या करना है कि डीएम कर दे रहे हो, डेट्स ओके, ठीक है, आपको साथ में कमेंट भी कर देना मेरे रीसेंट पोस्ट में. सो डेट वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी. बाय बाय.